चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो लोग भ्रष्टाचारी आज उन जनों का है नहीं, जो सरकार ने ही खैरे काट को जिन्हें बदनाम कर दे हैं, जिन्ह राम की कमाई चाहे वे इस सरकार के खिलाफ हैं। हर चीज का मजा है, रह दिन कहीं जाओ कहीं जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। वोट किसकी दे रहे इस बार? फूल ही फूल खिला है यहाँ तो। 62,400 लड़कों की ये जो है इलेक्शन के बाद जो है पूरी होगी, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी। चुनावी स्टैंड नहीं नजर आता कि चुनाव के टाइम पहले चुनाव आना, पहले चुनाव करना है, पहले बात चुनाव की है भाई। भाई चुनाव से पहले पिछले प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे मोदी जी, अभी नौकरी खोस लो जो सी है बिल्कुल। और एक ना काटो बढ़ती भी तो 20 साल लोग भी हम वोट फिर भी मोदी को ही देंगे, पक्के समर्थक। हाँ कट्टर बीजेपी। क्या पसंद आया ऐसा सरकार में, ऐसा बीजेपी सरकार? ऐसी सरकार में ही पसंद आया जी, खुले कोड़ों सुवा दिए, यूँ पसंद आया जी, और कुछ नहीं आया। पहले नहीं सोते थे? नहीं जी, पहले तो घर घर में गोली मार कर बच्चों ने भी मारते थे, डंगर भी खोल ले जाते थे, गंडासा भी नहीं पावा था, दंथी भी नहीं पावा थी। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर है अभी, और आपको बता दूं कि चुनावी दौर जो है उसकी हलचल बढ़ चुकी है, चुनावी तिथियां आ चुकी है। 19 अप्रैल से कैराना लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। यहां से कैराना से इकरा हसन को टिकट मिला है सपा से, और बीजेपी से प्रदीप चौधरी जी को टिकट मिला है। और एक तरह से देखा जाए तो कैराना सीट पर क्या मुकाबला होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कैराना की राजनीति में। और देश में चुनाव का दौर शुरू हो गया है। हम यहाँ कैराना के तित्तरवाड़ा गांव में है और ये बस अड्डा है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है। नमस्कार जी। तो बस ऐसे ही चुनाव की बात कर रहे थे कि भाई लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, किसका माहौल आपको बनता दिख रहा है कैराना सीट पर थोड़ा सा? कैराना तो मुल्ला उगिरा आ रहा है, मुल्ला उगिरा है कि बताया तो। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब हिंदू वोट भी तो है बहुत सारा। बहुत है उनके दिमाग दिन भी तो। अच्छा, काम वाम कुछ हुए आसपास आपके? अच्छा, बढ़िया लगे सरकार के काम? जी बढ़िया, एक नंबर की। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो आप इतने मतलब प्रभावित हो सरकार से? एक कुछ दो चार काम होंगे ऐसे, थोड़ा सा बताओ। गुंडागर्दी नहीं रही इधर? नहीं रही। अच्छा, पहले होती थी? पहले होती। तो वोट प्रदीप चौधरी को फिर? हाँ देंगे तो। उसकी तो आए गांव में आपके? ना अब तक नहीं आए। नहीं पिछले 5 साल से आए नहीं? ना। तो फिर वोट आप काम के आधार पर दे रहे? बदलने पड़ेंगे, मोदी देंगे हम तो। मोदी से दो? मोदी देंगे। आप कैंडिडेट नहीं देख रहे? ना। सरकार देख रहे? सरकार देख रहे। और ये जो इकरा सन है इनका क्या रहोगा, थोड़ा सा प्रभाव लगा? देखेंगे भाई, वो करके आएगा भाई। लेकिन मन अभी भाजपा को है? हाँ देंगे भी भाजपा थी। अच्छा चलिए ठीक है। भाई भी है हमारे यहाँ। नमस्कार जी भाई साहब जी। क्या नाम भाई जी? प्रहलाद। प्रहलाद जी, हम लोग बस लोकसभा चुनाव आई गए, तारीखें भी आ चुकी है। ये कैराना सीट है और इस सीट पे क्या आपको दिख रहा, क्या माहौल बनता देख रहे? तीतरवाड़ा गांव है ये। हाँ जी। तो क्या लगा है, किस तरह का माहौल बनेगा इस बार? माहौल तो जी बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का? हाँ जी, बीजेपी का ही वोट आओगी ज़्यादा यहाँ पर। हाँ जी। वैसे प्रदीप का तो इतना है नहीं जी, बीजेपी का ज़्यादा है। लेकिन जो टिकट मिला है वो प्रदीप को मिला है बीजेपी से? हाँ जी, बस फिर वो बीजेपी से ही दोगे जी। तो आप सरकार देख रहे, कैंडिडेट नहीं देख रहे? कैंडिडेट घूमता नहीं आना जी, इतना आता नहीं गाँव में, दिक्कत ही है। जनता के बीच नहीं रहे? हाँ जी। अच्छा, तो नाराजगी है इस बात से? नाराजगी तो है जी, फिर भी देनी तो उसी से है वोट। अच्छा, तो कहाँ फाइट किन में नजर आ रही है आपको? इकरा हसन भी है इधर, कह रहे कि भाई भी टक्कर देगी पूरी। देखो जी, इकरा हसन की तो टक्कर कहने कहने में ही है, हवाई बातें आज उनकी तो देखा जावे। दोनों ही कैंडिडेट गुजर समाज से आवे? हाँ वो तो है जी, फिर भी प्रदीप ऊपर होगा जी। प्रदीप ऊपर होगा, आप ऊपरली सरकार के हिसाब से? हाँ जी। लेकिन अगर प्रदीप के काम की या कार्यकाल की बात करूँ मैं? नहीं, काम तो फिर भी कराया तो रहा है जी, ये तो विधायक रहे आज ना, इधर काम कुछ कराया ही नहीं ना, इधर भी तो रहा है विधायक ना, इधर यहाँ एक बार भी नहीं आज।
आपके गांव में? हाँ जी, अब घूम रहे, अब तो सब घूम रहे जी, नया नया नेता वो भी घूमेगा, अब तो चुनाव के टाइम पर तो सब घूमते हैं, आज भी आ रहा था गांव में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी अपना? उदल सिंह। उदल जी, क्या लग रहा, चुनाव की बात कर रहे थे ऐसे ही, तो क्या माहौल बनता दिख रहा आपको यहाँ? भाई यहाँ तो मोदी मोदी है। मोदी मोदी है। हाँ। अच्छा, कैंडिडेट कोई हो मोदी दे दे जी। क्या पसंद आया ऐसा सरकार में, ऐसा बीजेपी सरकार? ऐसी सरकार में ही पसंद आया जी, खुले क्वार्टर सुवा दिए, यूँ पसंद आया जी, और कुछ नहीं आया। पहले नहीं सोते थे? नहीं जी, पहले तो घर घर में गोली मार कर बच्चों ने भी मारते थे, डंगर भी खोल ले थे, गंडासा भी नहीं पावा था, दंथी भी नहीं पावा थी। इस सरकार में तो आज़ाद सरे। लेकिन ट्यूबवेल तो अब भी पड़ती रहे? नहीं जी, अब कुछ नहीं, नहीं बहुत सारी रिपोर्ट है, कोई एक आधा आ जाए, कोई यानी किसान तो किसान तो कहो जा हमारी ट्यूबवेल पाड़ ली, ये कर दिया। हम किसान ही है, हमारी तो दंथी भी नहीं उठी जी आज तक इस सरकार। नमस्कार बाबा जी। अच्छा जी, क्या लग रहा जी, इसी चुनाव उनाव कैसे देख रहे लोग, क्या रहे? सरकार ने बढ़िया काम कर रखा। देखो कोई भी आओ, हमने जाति बात तो कोई मतलब नहीं, यहाँ तो सिर्फ भाजपा की वोट है और बस। हाँ। बढ़िया काम कर रखा आपके हिसाब से? काम बढ़िया कर रहा सारे। क्या नाम जी भाई अपना? मेरा नाम बबलू कुमार। बबलू भाई, क्या लग रहा है चुनाव वाले, तो क्या देख रहे, दो मिनट दे दो भी। चुनाव वहाँ लग रहे तो आनंद ही आनंद हो रहे। किस तरह के आनंद हो रहे? बस मौज है रही, रात व रात न कहीं जाओ कहीं आओ, किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, मौज आ रहा बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग तो विपक्ष जो है भाई आरोप लगा हुआ है, देश में ये दिक्कतें होगी, ये हो गया, आपको क्या लगा? अरे वे तो लोग भ्रष्टाचारी है, जो जनु का नहीं, जो सरकार ने खैरे काट के उसी ने बदनाम कर रहे हैं, जिन राम की कमाई चाहे वे इस सरकार के खिलाफ हैं, हर चीज का मजा है, रात दिन कहीं जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वोट किसकी दे रहे इस बार? फूल ही फूल खिला यहाँ तो। तो अभी टिकट हुआ प्रदीप जी का। हाँ। और एक तरफ इकरा हसन जी है, उनका भी टिकट हुआ सपा से, है ना जी। श्रीपाल राणा जी है, बसपा से टिकट हुआ है, क्या किन का बेहतर आपको लग रहा है इस बार माहौल? वो तो उनका मुकद्दर देख के जाएगा किसका कहाँ ज्यादा जोर होगा, लेकिन आशंका तो ऊपर मोदी की है। मोदी की है तो कैंडिडेट है वो, वे कैसे लगे प्रदीप चौधरी जी? लोग कह रहे कि भाई कभी दिखे नहीं क्षेत्र में, क्या क्षेत्र में दिखे भी और नहीं भी, वो तो देख वही बात है, मारे बागी होगा क्या कहना क्या नहीं। अच्छा, ये आप जो काम कर रहे तो इस काम में कितना खुशहाली आई, बढ़ोतरी हुई आपकी काम में भाई, महंगाई का कुछ असर है आप पे नहीं, या फिर काम में मजदूरी में पड़ो? पर टाइम पास हो रहा अपना, टाइम पर रोटी मिल जाए, खाने अपना, रोजगार चल जाए अपना बढ़िया। चुनावी तारीख घोषित होगी तो कैराना सीट पर आप क्या देख रहे, क्या माहौल बनेगा, क्या फाइट होगा? तो कट्टर बीजेपी हैं। अच्छा जी, तो कुछ बीजेपी से वोट देंगे, मोदी से वोट देंगे भाई। अच्छा, हमारा चेहरा है मोदी जी हैं। तो क्या ऐसा विकास करवाया मोदी ने, बहुत अच्छा? किस तरह का विकास बताओ थोड़ा सा भाई। जो भी गरीब जनता है उनके लिए जो है अनाज दे रहे, और राशन कार्ड बन रहे बहुत बढ़िया, सिलेंडर दे रखा, गैस सिलेंडर दे रखे मैंने, और भाई साहब शौचालय दे रखे, और जो भी मैंने सुविधा है, सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ प्रोटेक्शन है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रोटेक्शन का है, वो भरपूर मात्रा में मिल जा। सबसे पहले तो सुख शांति की बात है जी। मुलायम खराब था मेरे खनपटे पर, दिन के 10 बजे यहाँ पिस्तौल लड़ाओ खड़े थे, दुकानदार हूँ मैं पैसे से। हाँ, वो चीज़ें सुधरी है बिल्कुल, मजे आ रहे अभी तो। चले, आप कह रहे थे कि भाई राशन वगैरह मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब। तो एक तरफ भाई लोग जो है बेरोजगारी भी महसूस कर रहे हैं बहुत सारी, कोई बेरोजगारी कुछ नहीं भाई साहब। जो सबसे बड़ी बात जो है इंसान को सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा यहाँ भरपूर मात्रा मिल रही है, और लेकिन जो भाजपा पार्टी ने जो है इतना बड़ा काम कर दिया, विश्व रिकॉर्ड काम कर रखा है यहाँ पे, क्यों सत्ताधारा प्रधानमंत्री मोदी ने हटवाई, राम मंदिर प्रधानमंत्री ने बनवाया, योगी ने बनवाया, और इससे बढ़िया क्या होगा। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे जो लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके भाई, वे नौकरियाँ मांग रहे हैं बहुत सारे, 60,000 पुलिस भर्ती हुई अभी, 50,00,000 आवेदन गए भाई, क्या राशन से सारी चीजें कवर हो जाएगी यार? नहीं, भर्ती होंगे लड़के में, आज कल दोबारा योगी जाए 4 महीने बाद फिर भर्ती लाने दोबारा,
दोबारा फिर लड़के भर्ते होंगे इसमें क्या चुनाव के टाइम ही क्यों निकाल दे, क्या साल चार साल पहले भी निकाल देते, अभी तक तो पूरी हो जाती, दूसरी हो जाती भाई। इम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं आप कितनी बिल्कुल भी। कितनी नौकरियां मिली है आपको पता है? हमारे गांव में इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां। हमारे गांव में जो है हर घर में नौकर है, जाके देख लो आप, तित्रवाड़ गांव है मेरा, हर घर में नौकरी है, किस घर में पकड़ लो आप, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, कोई भी कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है सड़कें, 5 तो हाईवे लिख रहे हमारे यहाँ शामली में, बहुत बड़े बड़े, और इतनी बढ़िया सुविधा रही हर जगह, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में खड़े रहते तो नहीं, कोई भी उन्हें कोई चुकने वाला नहीं। आप सुरक्षा का एक मुद्दा कह रहे हैं इस बार? नहीं, मुद्दा तो सुरक्षा का सबसे बड़ी है। क्या लगा था जी, जैसे बातचीत कर रहे थे, नौकरी बेरोजगारी की समस्या तो है देश में। अजी जो कामयाब लड़के हैं, सुनो जी, कहा था जो कामयाब लड़के हैं वो पहले भी जाते हैं नौकरी पर, आज भी जहाँ कहाँ जा रहे, जो पढ़े लिखे 7 लाख नौकरी दी है उन्होंने 2 करोड़ की। और ऐसा तो सारे ही सारी पार्टी का है, चुनाव में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, रोजगार तो चाहिए, वो मजदूरी तो रोजगार मिले तो लग रहे, कहाँ मिले लग रहे, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं मिल जाएंगे। 60,000 नौकरी के लिए 50 लाख आवेदन होना, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी दिक्कत है। जो, जो पुराने सारे भर्ती हैं वे जी सारे लिख देंगे। जैसा कि मैंने आप 50,000 नौकरी की बात कर रहे हैं, 64,200 की भर्ती आई है पुलिस की, 60,000 से ऊपर, हाँ 62,400 लड़कों की, ये जो है इलेक्शन के बाद जो है पूरी होगी, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी। चुनावी स्टैंड नहीं नजर आता कि चुनाव के टाइम पहले चुनाव आना, पहले चुनाव करना है, पहले बात चुनाव की है भाई। भाई चुनाव से पहले पिछले 5 साल से पहले प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, 5 साल से पहले 2 करोड़ की बात करी थी, तो थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए जनता को। देखो जी भर्ती पहले करके योगी ने पहले की भर्ती नहीं, कोई भर्ती नहीं है। सुनो बात, पुलिस जानकारी रखो आप, चुनाव की बात सुनो आप, मोदी जी अभी नौकरी खोज लो जो सी है बिल्कुल, और एक ना काटो भर्ती भी तो 20 साल लोग भी हम वोट फिर भी मोदी को ही देंगे पक्के समर्थक। हाँ अच्छा, कट्टर बीजेपी, हाँ कश्यप समाज पूरा का पूरा बीजेपी का है। आप जैसे लोग भी है जो बढ़िया ये सोच रहे, लेकिन बहुत सारे लोग दुखी भी है ना। वोट प्रदीप को नहीं देने का, हम वोट मोदी को ही देंगे। आप मोदी को देख रहे हैं कैंडिडेट, यहाँ से उदंग था आया फटकिया नहीं सिला के, जिस दिन नाराजगी है लोगों में, कुछ नाराजगी ऐसे है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैराना के तितरवाड़ा गाँव में थे, जहाँ पर हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, लोग बीजेपी सरकार से खुश है, कई मुद्दों को लेकर जुड़े रहे। सीसीए से आप उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद। अच्छा चलो, अच्छा जी।